दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। नहीं तो दोस्तों आज हम कोलोनियल रूल की फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। ससुरा तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाई डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई क्यों हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे द राइज़ ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। उसके बाद हम पढ़ेंगे द रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट में कैसे विद्रोह हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, कैसे जावा में फॉरेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाई डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई क्यों हुई। तो दोस्तों इसे समझने के पहले हम समझते हैं डिफोरेस्टेशन किसे कहते हैं। डिफोरेस्टेशन पेड़ों को काटना या फिर पेड़ों का गायब होना, दोनों को ही डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। तो दोस्तों डिफोरेस्टेशन में बहुत ही ज़्यादा कारण थे, आइए हम डिफोरेस्टेशन के कारण समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला आता है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, यानी कि दोस्तों 1600 में 1/6 पार्ट जो इंडिया का था वो कल्टिवेटेड था, यानी कि 1/6 पार्ट पर खेती किया जाता था। उसके बाद अभी जो है वो बढ़कर आधा हो चुका है, यानी कि हाफ हो चुका है। दोस्तों जो कोलोनियल ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिशर्स थे, वो अनकल्टिवेटेड लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में बदलना चाहते थे ताकि उन्हें पैसा मिल सके, यानी कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा सके वो। नहीं दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है बिल्डिंग शिप्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो पेड़ों को काट करके इंग्लैंड ले जा रहे थे। क्यों ले जा रहे थे? ताकि वो अपनी रॉयल शिप्स को बना सके, समझ रहे हो दोस्तों। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है रेलवे ट्रैक्स, यानी कि जो पटरियाँ थी रेलवे की उनको कुछ ना कुछ बनाने के लिए चाहिए होगा, ये ऊपर से तो नहीं भगवान दे दें, इसके लिए चाहिए था वुड। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पैक्ट था। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है लास्ट कारण प्लांटेशन, यानी कि दोस्तों चाय कॉफी रबर प्लांटेशन सबके लिए पेड़ों को काटा जा रहा था ताकि यूरोप को अपनी नीड्स मिल सके वो जो चाहते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है द राइज़ ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, यानी कि दोस्तों इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि जो लोग थे वो पेड़ों को काट रहे थे। इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। क्या चिंता हो रही थी? कि लोग या फिर ट्रेडर्स, यानी कि जो बिजनेस करने वाले, वही पेड़ों को काटने लग जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों उन्होंने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया, उन्होंने एक लोंडे को बुलाया, लोंडा नहीं मतलब बूढ़े बूढ़े को, उसका नाम था डेट्रिक ब्रांडिस। तो दोस्तों उसको इनवाइट किया और उसको ही फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल बना दिया फॉरेस्ट का। तो दोस्तों डेट्रिक ब्रांडिस ने सबसे पहले तो लोगों पर बैन लगा दिया कि वो फिर फॉरेस्ट में घुस ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद डेट्रिक ब्रांडिस ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को स्टेबलाइज किया। कब किया था? 1864 में। उसके बाद डेट्रिक ब्रांडिस ने एक्ट पास किया था 1865 में, और उसी एक्ट में उसने दो बार चेंज करा था। सबसे पहला चेंज 1878 में किया था और दूसरा जो चेंज था और उसने 1927 में किया था। 1878 में उसने 3 कैटेगरी में फॉरेस्ट को बांट दिया, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। जो पहला वाला फॉरेस्ट है रिजर्व फॉरेस्ट, उसमें लोगों को बिल्कुल ही सख्त मना कर दिया गया कि वो बिल्कुल ही फॉरेस्ट में नहीं आ सकते। उसके बाद जो था दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसमें लोगों को परमिशन मांगनी पड़ती थी अंग्रेजों की ताकि वो फॉरेस्ट में घुस सके। और तीसरा फॉरेस्ट था विलेज फॉरेस्ट, जिसमें लोग जा सकते थे। लेकिन दोस्तों 1927 में कोई बदलाव नहीं लाए गए, ये कि यही चीज थी। तो दोस्तों 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज किया गया और यहाँ पर साइंटिफिक फॉरेस्ट सिखाए गए। तो दोस्तों ये होती क्या है? तो दोस्तों जो नेचुरल फॉरेस्ट रहते थे उनको वो काट करके उनकी जगह पर एक ही लाइन में, यानी कि एक रो में वो पेड़ लगाते थे, जिसकी वजह से उनको काटने में आसानी होती थी। इसी को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, कैसे इन लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों जो लोग थे अपने बेसिक नीड्स के लिए वुड चाहते थे, यानी कि लकड़ी चाहते थे, और वही ब्रिटिशर्स जो थे वो भी लकड़ी चाहते थे अपनी शिप्स बनाने के लिए। तो दोस्तों एक तरफ तो ब्रिटिशर्स ने सभी लोगों पर बैन लगा रखा था, लेकिन जो लोग थे अपनी मजबूरी के कारण चोरी करने लग गए। दोस्तों उन्होंने वुड की चोरी करने लगे, लेकिन जो भी लोग पकड़ा जाते थे उनसे ब्रिटिशर्स रिश्वत लेते थे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवेलियन इन द फॉरेस्ट। दोस्तों जो बस्तर के लोग थे, यानी कि बस्तर में बहुत सारी प्रजातियाँ रहती थी, जैसे मोरिया, मारियागोंस, दूरवास, बत्रास, अलबास, ये सारी कम्युनिटी रहती थी। दोस्तों जो ये सारी कम्युनिटी थी इनके लिए 2/3 फॉरेस्ट रिजर्व करके रखा था, जिसमें इन पर शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, हंटिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट सभी पर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स और बस्तर के लोगों के बीच विद्रोह छिड़ गया था।
तो इसी को फॉरेस्ट का विद्रोह कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। तो दोस्तों जावा जो जगह थी इंडोनेशिया में थी और इस पर राज किया था डच ने। तो दोस्तों जो वुड कटर्स थे जावा के कलंग्स, उन्होंने डच के एक फोर्ट पर हमला कर दिया जिसका नाम था जोना। तो दोस्तों डच ने इस हमले को बिल्कुल सस्पेंस की तरह रोक लगा दी। इसके बाद आते हैं डच साइंटिफिक फॉरेस्ट। ब्रिटिश की तरह उन्होंने भी 19वीं सेंचुरी में सभी चीजों पर बैन लगा दिया गया। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लेंडोस्टाइन, यानी कि दोस्तों ब्रिटिशर्स की तरह उन्होंने सभी चीज़ों पर बैन लगा दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ विलेज को छोड़ दिया गया। इसी शहर पर छोड़ा था कि वो कुछ लेबर को यानी कि काम करने वालों को और बेस को लाएंगे पेड़ों को काटने के लिए, और इसी को ब्लेंडोस्टाइन कहा गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सामिस चैलेंज। दोस्तों 1890 में स्वर्णतोपिक सामिस नाम के एक पर्सन थे जो कि रंडू प्लाचुंग विलेज में रहते थे। तो दोस्तों इन्होंने कहा था लोगों से क्यों हम इनको लकड़ी दें और क्यों हम इनकी बात माने डच की। दोस्तों इसकी वजह से लोगों को बहुत ही असर पड़ा था, इनकी बातों से लोगों को बहुत ही उत्साह मिला था और इसी को साइमन्स चैलेंज कहा गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आता है वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। तो दोस्तों जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी दोनों जगह की, वो लकड़ी को काटकर अपने यहाँ ले जा रही थी। क्यों ले जा रही थी? क्योंकि लकड़ी जो थी इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल थी वार के लिए। दोस्तों 1980 आते हुए सभी जगहों पर बैन हट गया क्योंकि सभी जगह की गवर्नमेंट का दिमाग दौड़ने लग गया था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म।